सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर रश्मि सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इन एसएस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज। इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ अलाहाबाद एंड दिस इज माय ईमेल आईडी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक टुडे। इंटेलिजेंस ऐसा टॉपिक है साइकोलॉजी का, एजुकेशनल साइकोलॉजी में हम लोग इसको पढ़ते हैं। मुझे बहुत 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 उद्वेलित करता है, बहुत रोमांचित करता है। कैसे बुद्धि, हम लोग कैसे बुद्धि को इस्तेमाल करते हैं, साइकोलॉजिस्ट कैसे समझते हैं बुद्धि को, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, चाहे आप यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन दे रहे हों या आप कोई ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन दे रहे हों, इंटेलिजेंस पर सवाल पूछे जाते हैं। और जनरली इंटेलिजेंस में क्या पूछते हैं, थेरीज ऑफ इंटेलिजेंस पूछते हैं। बहुत सारी थेरीज हैं जिसमें से कुछ थेरीज बहुत पॉपुलर हैं और बहुत पूछी जाती हैं, जैसे आपकी ये हो गई SOI, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट, मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, जिसके बारे में आज बात करेंगे, स्टर्नबर्ग्स ट्राईआर्किक थ्योरी, और इस तरह की कई थ्योरीज जो कंपैरेटिवली बाद में आई और उन्होंने बहुत पॉपुलैरिटी गेन की है। तो आज के हमारे टॉपिक का विषय है थ्योरी, आज के हमारे बातचीत का टॉपिक है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, है ना। और ये हॉवर्ड गार्डनर साहब हैं जिन्होंने इस थ्योरी को प्रतिपादित किया है। तो इन्हीं से शुरू करते हैं। हॉवर्ड गार्डनर क्या कहा इन्होंने, अ चैंपियन ऑफ द आइडिया ऑफ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेस। मतलब ये उन कुछ लोगों में से हैं या उन कुछ लोगों के चैंपियन हैं जिन्होंने स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेस को की आके आइडिया को प्रमुखता दी है, रादर देन वन ओवरऑल इंटेलिजेंस, है ना। इन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं एक ये बुद्धि है, यही एक समेकित बुद्धि है, बाकी कुछ नहीं है। स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेस इंडिविजुअल्स पजेस, ऐसा मानते हैं हॉवर्ड गार्डनर। इज द साइकोलॉजिस्ट हॉवर्ड गार्डनर 1983 में, अभी मैं बाद में आपको जिक्र भी करूंगी, इनकी बुक आई थी फ्रेम्स ऑफ माइंड, इसमें इन्होंने जिक्र किया था मल्टीपल इंटेलिजेंसेस का। फिर गार्डनर्स अर्ली वर्क इन साइकोलॉजी, यानी कि शुरुआत में ये मनोविज्ञान में काम कर रहे थे, एंड लेटर इन ह्यूमन कॉग्निशन, बाद में इन्होंने थोड़ा सा अपना फील्ड चेंज कर दिया और ये ह्यूमन कॉग्निशन पे काम करने लगे, एंड ह्यूमन पोटेंशियल लेड टू हिज डेवलपमेंट ऑफ द इनिशियल इंटेलिजेंसेस। देखिए यहाँ 8 लिखा है, यहाँ 7 भी हो सकता था, 6 भी हो सकता था, ये अभी आप पढ़ते समय जान जाएंगे कि शुरुआत में इन्होंने 7 इंटेलिजेंस की बात की जो बढ़ के 8 हुई, फिर 9 हुई और अब 10 हो गई हैं, है ना। तो जैसे SOI मॉडल में हम बात करते हैं कि कोई भी हम उसका सब टॉपिक लेते हैं, अगर उसमें हम क्लीवेज कर दें, फर्दर उसके क्लासिफिकेशन कर दें, तो उसी तरह से मल्टीप्लीकेशन जब होता है प्रोडक्ट कंटेंट और रिलेशन का, तो वो प्रोडक्ट कंटेंट एंड ऑपरेशन आप शायद जोड़ नहीं पा रहे होंगे। SOI मॉडल जिन लोगों ने पढ़ रखा है, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट, नहीं तो मैं किसी वीडियो में समझा दूंगी, उसमें 3 डायमेंशन होते हैं, प्रोडक्ट कंटेंट और ऑपरेशन। तो वो कहते हैं कि प्रोडक्ट कंटेंट और ऑपरेशन तीनों का गुणा कर देते हैं। जैसे मान लीजिए प्रोडक्ट में 5 हैं आपके हेडिंग्स, कंटेंट में 5 हैं और इसमें आपके ऑपरेशन में 6 हैं, तो 5 × 5 × 6 कर दें, कितनी हो गई बुद्धि का वो डायमेंशन बताते हैं, 5 × 5 = 25 एंड 25 × 6 = 150, है ना। यस, उसी तरह से अगर 5 × 6 × 6 कर दें तो वो 180 हो जाएगा। तो मेरे बताने का सिर्फ तात्पर्य यहाँ पर ये है कि जैसे वहां पर बुद्धि का डायमेंशन बढ़ता जा रहा है, विमाएं बढ़ती जा रही है उसकी, इसी तरह से ये भी इन्होंने पहले 6 बताई, फिर 7 बताई, फिर 8 बताई, फिर 9 बताई, फिर 10 बताई, लेकिन ये अभी रुका नहीं है, ये और 11, 12, 13, 14, 15 भी हो सकता है। यानी कि एवर एक्सपेंडिंग डायमेंशंस ऑफ इंटेलिजेंस की इन्होंने बात की है। देयर आर 9 इंटेलिजेंसेस, जबकि बाद में मैं लास्ट लाइन में आपसे बात करूंगी तो ये 10 हो गई हैं, एंड दी पॉसिबिलिटी ऑफ अदर्स मे इवेंचुअली एक्सपैंड द लिस्ट, है ना, और लिस्ट के बढ़ते रहने की पॉसिबिलिटी है। गार्डनर आर्ग्यूड दैट इट वुड बी इवोल्यूशनरी फंक्शनल फॉर डिफरेंट पीपल टू हैव डिफरेंट टैलेंट्स एंड स्किल्स, है ना। जो डिफरेंट लोग हैं, विभिन्न प्रकार के लोग हैं, वो डिफरेंट तरीके के उनमें टैलेंट होते हैं, डिफरेंट तरीके की स्किल होती है, एंड प्रपोज दैट देयर आर 9 इंटेलिजेंसेस दैट कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम ईच वन। इस बिना पे इन्होंने ये साबित किया या साबित करने की कोशिश की कि डिफरेंट लोग हैं, उनके पास डिफरेंट स्किल्स हैं, डिफरेंट टैलेंट्स हैं, तो इंटेलिजेंसेस भी स्पेसिफिक तरीके की हो सकती हैं। क्या कहा इन्होंने, अकॉर्डिंग टू मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी Each human being, प्रत्येक मानव जो है, is capable of relatively independent forms of information processing.
इंटेलिजेंस है क्या? जो भी इंफॉर्मेशन हम परसीव कर रहे हैं, वो फिगर के फॉर्म में हो, सिंबल के फॉर्म में हो, डेटा के फॉर्म में हो, जो भी इंफॉर्मेशन परसीव कर रहे हैं उसकी प्रोसेसिंग हम कैसे करते हैं, यही तो इंटेलिजेंस है ना, एक एक सीधे सपाट शब्दों में अगर जिक्र करें इसका। तो ये कह रहे हैं कि ईच ह्यूमन बीइंग इज केपेबल ऑफ रिलेटिवली इंडिपेंडेंट फॉर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, है ना, यानी कि हर व्यक्ति जो है उसमें एक इंडिपेंडेंट तरीके की इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की क्षमता है, विद इंडिविजुअल्स डिफरिंग फ्रॉम वन अनदर। और यही जो डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की केपेबिलिटी है, ये इंडिविजुअल्स को एक से दूसरे को अलग करती है, इन दिस स्पेसिफिक प्रोफाइल ऑफ इंटेलिजेंसेस दैट दे एग्जिबिट, और उस स्पेसिफिक इंटेलिजेंस का वो एग्जिबिशन करते हैं या प्रदर्शन करते हैं। और क्या बताया इन्होंने, इन्होंने कहा मतलब कहाँ से इनको हिंट मिला कि हम सिर्फ एक इंटेलिजेंस की बात नहीं करेंगे बल्कि स्पेसिफिक सेवरल इंटेलिजेंसेस की बात करेंगे। ये कह रहे हैं ए हाई आईक्यू, मतलब अगर हमारा इंटेलिजेंस क्वेश्चन ज्यादा है, इसका मतलब ये नहीं कि डज नॉट ऑलवेज इंश्योर सक्सेस इन लाइफ। इसकी हम लोगों ने इमोशनल इंटेलिजेंस में बात की थी, कल्चरल इंटेलिजेंस में बात की थी, कि सिर्फ आईक्यू कोई हमको गारंटी नहीं देता है सक्सेस की इन लाइफ, और नेसेसरीली इंडिकेट दैट अ पर्सन हैज कॉमन सेंस, गुड इंटरपर्सनल स्किल्स और अदर एबिलिटीज इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस। मतलब अगर आपके पास हाई आईक्यू है, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आपके पास कॉमन सेंस होगा, आप लोगों से अच्छी तरह से बातचीत करके घुल मिल पाएंगे और सफल होने के और जो अलग योग्यताएं चाहिए वो भी आपके पास हों। फिर गार्डनर इन्वेस्टिगेटेड इंटेलिजेंसेस बाय फोकसिंग ऑन चिल्ड्रन हु आर टैलेंटेड इन वन और मोर एरियाज। तो इन्होंने अपनी जो रिसर्च का एरिया था वो उन बच्चों पर केंद्रित था जो एक या एक से अधिक विधाओं में, एक या एक से अधिक क्षेत्रों में टैलेंटेड थे। शुरुआत करते हैं, जब हम लोग पढ़ना शुरू किए, मतलब जब हम लोगों ने बीएड एमएड में हम लोग पढ़ रहे थे, तब हम लोग मल्टीपल इंटेलिजेंसेस में 8 टाइप्स पढ़ते थे, फिर धीरे धीरे बढ़ते वो 9 हुआ और अभी वो 10 हो गया है। शुरू 8 से ही हमने किया है। कौन कौन सी मल्टीपल इंटेलिजेंसेस की बात इन्होंने की? लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज से बना है, लॉजिकल, इसको लिंग्विस्टिक लॉजिकल मैथमेटिकल भी कहीं कहीं कहते हैं, है ना, यहाँ इसमें लिखा भी आपको दिखाती हूँ, विजुअल, म्यूजिकल, इंट्रा पर्सनल। देखिए इंट्रा पर्सनल और इंटर पर्सनल में क्या होता है, इंट्रा का मतलब व्यक्ति के भीतर और इंटर का मतलब कि दो व्यक्तियों के या बहुत सारे व्यक्तियों के बीच में। काइनेस्थेटिक, ये शब्द अक्सर हम लोग नहीं जानते हैं जनरली, बाकी तो पहचान जाते हैं। काइनेस्थेटिक का मतलब होता है बॉडीली मूवमेंट से, इसका मतलब है इंटरपर्सनल हो गया, और नेचुरलिस्टिक। ये 8 प्रकार की इंटेलिजेंसेस की बात की किसने? गार्डनर ने। उसके पहले 7 ही थी, नेचुरलिस्टिक भी बाद में जुड़ा, यानी कि सबसे पहले जब उन्होंने बात की थी लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, विजुअल, म्यूजिकल, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल और काइनेस्थेटिक था, बाद में नेचुरलिस्टिक जुड़ा। अच्छा, इसको एक अलग अर्थों में इस आप डायग्राम से समझ सकते हैं। देखिए अगर ये बॉडीली काइनेस्थेटिक है ना, हमने कहा ना बॉडीली मूवमेंट काइनेस्थेटिक से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब आप बॉडी स्मार्ट हैं। बॉडी स्मार्ट का मतलब आप डिफरेंट तरीके का मूवमेंट कर सकते हैं, बढ़िया आपके बॉडी फ्लेक्सिबल है, इस तरीके की चीजें। फिर अगर आप इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल का मतलब क्या, कि आप दूसरे लोगों से घुल मिल सकते हैं इजीली, आसानी से, अच्छी तरीके से, तो आप क्या हैं? पीपल स्मार्ट है ना, कि बहुत सारे लोगों के बीच में आप आसानी से बातचीत कर सकते हैं। फिर अगर आपके पास वर्बल लिंग्विस्टिक क्षमता है, देन इट मीन्स यू आर वर्ड स्मार्ट, आपके पास शब्दों को समझने, जानने, परखने, यूज करने की केपेबिलिटी अच्छी है। फिर अगर आप लॉजिकल मैथमेटिकल एबिलिटी आपके पास है, इसका मतलब आप लॉजिक स्मार्ट हैं, यानी कि आप तर्कपूर्ण हैं, तर्क तार्किक रूप से बात करते हैं, कोई इलॉजिकल बात नहीं करते। फिर अगर आप में नेचुरलिस्टिक इन टाइप ऑफ इंटेलिजेंस है, मीन्स आप नेचर स्मार्ट हैं, मतलब आप पत्तियों को पहचान जाते हैं, फूल पौधों के आपके पास ज्ञान है, आपको पता है कौन सा पौधा कहाँ इस्तेमाल होता है, आपको पता है कैसे वो कौन से मौसम में उगेगा, कौन सी उसकी बढ़िया बीज है, कौन सी प्रजाति, कौन सी खाद, ये सारी जानकारी। फिर अगर आप इंट्रा पर्सनल है, यानी कि सेल्फ स्मार्ट है आप, इंट्रा पर्सनल भी बहुत जरूरी है आज के जमाने में। फिर विजुअल स्पेशियल है, तो इसका मतलब आप पिक्चर स्मार्ट है, मतलब कई लोग ना आप कैमरे में उनको पकड़ाएंगे कि आप जरा उनकी फोटो क्लिक कर दीजिए, तो पीछे बैकग्राउंड इतना बड़ा आएगा, आपका चेहरा इतना साफ है ना, और कई लोग हैं वो इतना बढ़िया खींच देंगे तो कि आपको लगेगा ही नहीं कि उन्होंने आपके ही कैमरे से आपकी पिक्चर क्लिक की है। मतलब विन्यास की जिनके पास क्षमता है समझने की कि कहाँ से विन्यास हमारा सटीक बैठ रहा है। एंड देन म्यूजिकल, मतलब म्यूजिक स्मार्ट। तो इतने प्रकार के इंटेलिजेंसेस की बात हॉवर्ड गार्डनर करते हैं। फिर नवा कौन सा जुड़ गया इसमें, ये देखिए मल्टीपल इंटेलिजेंसेस जब बात हुई 8 के बाद नवा, तो नवा जुड़ा ये एग्जिस्टेंशियल,
लॉजिकल की हम बात कर चुके हैं। लॉजिकल में मतलब वो आदमी क्या हो सकता है, मैथमेटिशियन होगा या स्ट्रेटजिस्ट होगा, बढ़िया। वर्बल लिंग्विस्टिक वाले क्या बन सकते हैं, पोएट, राइटर, टीचर्स। स्पेशियल वाले पायलट, सर्जन्स, आर्किटेक्ट्स। आर्किटेक्ट ना वो घर का आपका बता देता है, यहाँ पे वो किचन होगा, इधर से वो बालकनी निकलेगी और इधर से ये पीछे वाला कमरा, और तो उसके पास विन्यास पूरा दिमाग में सटीक बैठा हुआ है। पायलट। म्यूजिक वाले म्यूजिशियंस, कंपोजर्स। बॉडीली काइनेस्थेटिक में एथलीट्स, बॉडी स्मार्ट है ना, डांसर्स, कितना मूवमेंट, कितना बैलेंसिंग, एंड एक्टर्स। उसी तरह से इंटरपर्सनल जो है वो सोशल वर्कर या लीडर, इंट्रा पर्सनल जो है वो साइकोलॉजिस्ट या फिलोसोफर्स, नेचुरलिस्ट जो है वो बॉटनिस्ट एंड हॉर्टिकल्चरलिस्ट, और एग्जिस्टेंशियल जो नया जुड़ा वो क्या है कि आस्क्स डीप क्वेश्चंस, लुक्स एट बिग पिक्चर, थिंक्स फिलोसॉफिकली, मतलब ये गहरे प्रश्नों के उत्तर खोजने में व्यस्त रहते हैं ना। बड़ी पिक्चर उनको चाहिए, जीवन क्या है, जीवन के बाद क्या है, जीवन का उद्भव कैसे है, इस तरीके के प्रश्न, यानी कि फिलोसॉफिकली जो सोचते हैं। तो ये क्या हो सकते हैं, थियोलॉजिशियंस एंड लाइफ कोचेस। अच्छा, आज लाइट नहीं है यहाँ पे, मतलब लाइट है, फैन नहीं है, इसलिए गर्मी हो रही है। मल्टीपल इंटेलिजेंसेस का क्या है, मल्टीपल इंटेलिजेंसेस के प्रिंसिपल किस पे ये बेस्ड है, देखिए, इंडिविजुअल्स शुड बी इनकरेज्ड टू यूज देयर प्रिफर्ड इंटेलिजेंसेस इन लर्निंग। इस सिद्धांत पर ये बेस है, ये बुद्धि का सिद्धांत, कि जो व्यक्ति हैं उनको हमें प्रोत्साहित, व्यक्ति का मतलब यहाँ छात्रों से है, उनको उनको प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो अपनी प्रिफर्ड इंटेलिजेंस जो उनके जिसमें वो बेस्ट है, जो उनके ऊपर बेस्ट सूटेड है, उसको यूज करें लर्निंग में। और टीचर के लिए क्या है, इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज शुड अपील टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि हमको इस तरीके की एक्टिविटीज क्लास में हमको करनी होंगी, बनानी होंगी, जिससे कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस को वो अपील करें या यूटिलाइज करें। और असेसमेंट ऑफ लर्निंग शुड मेजर मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस, और हमारा जो आकलन है अधिगम का, वो भी सिर्फ IQ पे बेस्ड ना हो, यानी कि हम सिर्फ लॉजिकल मैथमेटिकल से ही निकल ना जाए, वर्बल बॉडीली काइनेस्थेटिक भी हो, उसमें इंटरपर्सनल इंट्रापर्सनल भी हो, नेचुरली भी हो, एग्जिस्टेंशियलिस्ट भी हो, म्यूजिकल भी हो, ज्यादा से ज्यादा का उसमें समावेश कर सके, हम करें, ऐसा होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं कि हम क्यों पढ़ रहे हैं एजुकेशन में थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, इसका क्या फायदा है, फायदा है। शैक्षिक निहितार्थ क्या है इसका, अकॉर्डिंग टू गार्डनर, गार्डनर साहब कहते हैं कि द इम्प्लीकेशन ऑफ द थ्योरी इज, इस थ्योरी का निहितार्थ ये है कि लर्निंग टीचिंग शुड फोकस ऑन द पर्टिकुलर इंटेलिजेंसेज ऑफ ईच पर्सन, ये होना चाहिए कि जो प्रत्येक व्यक्ति की पर्टिकुलर इंटेलिजेंस है, जिसमें उसको महारत हासिल है, जिसमें वो स्किल्ड है, हम उस पर फोकस करें, है ना। और क्या करें, फॉर एग्जाम्पल, इफ एन इंडिविजुअल हैज स्ट्रॉन्ग स्पेशियल और म्यूजिकल इंटेलिजेंसेस, अगर आपके पास बढ़िया स्पेशियल और म्यूजिकल इंटेलिजेंस आप रखते हैं, देन दे शुड बी इनकरेज टू डेवलप दीज एबिलिटीज, मतलब कि वो इन योग्यताओं को विकसित करें, इनके लिए उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। और क्या कहते हैं गार्डनर, गार्डनर पॉइंट्स आउट दैट द डिफरेंट इंटेलिजेंसेस रिप्रेजेंट नॉट ओनली डिफरेंट कंटेंट डोमेन्स बट ऑल्सो लर्निंग मोडेलिटीज, यानी कि अब अगर आप, इसके बाद एक टॉपिक आता है लर्निंग स्टाइल्स, है ना, तो लर्निंग स्टाइल्स को कहा जाता है कि ये यहीं से ली गई है, हॉवर्ड गार्डनर ने जो ये 8 बताई हैं उन्हीं में से, कि आप वर्बल में बढ़िया हो सकते हैं, या आपको विजुअल ज़्यादा अच्छा समझ में आता है, या आप मैथमेटिकल आपका ओरिएंटेशन है वो आप बढ़िया कर सकते हैं, ये केवल कंटेंट डोमेन नहीं है बल्कि लर्निंग मोडेलिटीज की भी बात करते हैं, ठीक है। फिर क्या है, ए फर्दर इम्प्लीकेशन ऑफ द थ्योरी इज दैट असेसमेंट ऑफ एबिलिटी शुड मेजर ऑल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस, इसका दूसरा निहितार्थ ये है कि जो योग्यताएं हैं उनका आकलन ऐसा हमको करना चाहिए कि वो विभिन्न प्रकार के इंटेलिजेंस का मेजर करे, जैसे नॉट जस्ट लिंग्विस्टिक एंड लॉजिकल मैथमेटिकल, है ना, अभी बात हो रही थी। फिर गार्डनर ऑल्सो इम्फेसाइजेस द कल्चरल कंटेक्स्ट ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेज, देखिए इन्होंने कल्चरल कंटेक्स्ट भी इसका आ गया, सांस्कृतिक पक्ष भी आ गया, वो कह रहे हैं कि ईच कल्चर टेंड्स टू इम्फेसाइज पर्टिकुलर इंटेलिजेंस, वो कह रहे हैं कल्चर भी हमको बताता है कि किस प्रकार के इंटेलिजेंस में हम बढ़िया होंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्होंने बताया है हाई स्पेशल एबिलिटीज ऑफ द पुलुआट पीपल ऑफ द कैरोलिन आईलैंड, उन्होंने कहा कि कैरोलिन महाद्वीप पे जो उपद्वीप आईलैंड पे जो लोग रहते हैं उनकी जो होती है ये स्पेशल एबिलिटी वो बहुत पावरफुल होती, क्यों, क्योंकि हु यूज दीज स्किल्स टू नेविगेट देयर कैनोज इन द ओशन, उनकी स्पेशल एबिलिटी बहुत बढ़िया होती है, तो इसमें कल्चरल कंटेक्स्ट आ गया ना। गार्डनर ऑल्सो डिस्कसेज द बैलेंस ऑफ पर्सनल इंटेलिजेंसेज रिक्वायर्ड इन जैपनीज सोसाइटी, और वो ये भी बात करते हैं गार्डनर की
जो जापान का समुदाय, जापान की सोसाइटी है, उसमें हमको ये बैलेंसिंग करनी चाहिए कि पर्सनल इंटेलिजेंसेस को बैलेंसिंग, मतलब उनका कुछ जो है वो हायर डेवलप है और कुछ जो है वो बहुत कम डेवलप है. अच्छा, अब कंक्लूजन, हम कैसे कंक्लूड करते हैं हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी को. ये कह रहे हैं कि ये हमको देखिए सन याद होने चाहिए. अगर आप ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 1983 में हॉवर्ड गार्डनर की बुक आई थी, कौन सी, फ्रेम्स ऑफ द माइंड, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस. इसी में इन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस का जिक्र किया. इन हिज बुक, अपनी किताब में क्या लिखते हैं, गार्डनर प्रपोजेस दैट देयर आर सेवन, देखिए सेवन से शुरुआत हुई है, सॉरी, सेवन पॉसिबल इंटेलिजेंसेस. कौन सी, लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, मैथमेटिकल, म्यूजिकल, बॉडीली काइनेस्थेटिक, विजुअल, स्पेशियल, इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल. नेचुरलिस्टिक भी बाद में जुड़ा. फिर क्या किया इन्होंने, गार्डनर वुड गो ऑन टू एड थ्री मोर इंटेलिजेंसेस टू हिज लिस्ट. हम लोग ने नेचुरलिस्ट का जिक्र पढ़ लिया और एग्जिस्टेंशियलिस्ट का पढ़ लिया, स्पिरिचुअल इन्होंने जोड़ा है, कहीं कहीं मॉरल इंटेलिजेंस की भी बात कर रहे हैं. और ये इन्होंने अपनी दूसरी बुक निकाल दी, इन हिज लेटर बुक इंटेलिजेंस रीफ्रेम्ड, मल्टीपल इंटेलिजेंस फॉर द 21st सेंचुरी. देखिए 1999 में, 16 साल में इन्होंने खुद ही तीन इंटेलिजेंसेज और जोड़ दी उसमें, यानी कि सतत काम करते रहे तब लोग महान बनते हैं, है ना. सिंस द पब्लिकेशन ऑफ गार्डनर्स फ्रेम्स ऑफ माइंड, द थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, गार्डनर्स थियरी हैज बीन पुट इनटू प्रैक्टिस इन स्कूल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना. पूरे विश्व में इसको फॉलो करने की कोशिश की जाती है, इसके मानने वाले हैं. गार्डनर्स थियरी टीचर्स द टीचर्स शुड नॉट टीच द सेम मटीरियल टू द इंटायर क्लास. वो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा मत करिए कि एक मटीरियल को आप पूरी क्लास को एक ही तरह से पढ़ा दीजिए. रादर इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन बाई आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस. कह रहे हैं कि बल्कि आप इस तरह से करिए कि इंडिविजुअल को इस तरह से इंस्ट्रक्शन दीजिए कि उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को हम मान सकें. एक ये बीच में छूट गया, वही मैं कहूँ कुछ छूटा है शायद, सॉरी, हाँ ये एक रह गया बीच में, इंप्लीकेशन में कुछ और बात थी, वही मैं सोची कि कुछ मिस हो रहा है. देखिए, गार्डनर सजेस्टेड दैट दिस डज नॉट रिक्वायर दैट अ टीचर क्रिएट्स अ लेसन प्लान इन द मल्टीप्लिसिटी ऑफ मेथड्स. गार्डनर कह रहा है कि ये जरूरी नहीं है कि आप एक लेसन प्लान को कई तरीके से बनाइए, ना, बहुत ये फिर मुश्किल हो जाएगा टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से. वो कह रहे हैं सो बट इट डज इन्वॉल्व क्रिएटिंग रिच एक्सपीरियंसेस. लेकिन ऐसा तो हो कि हम रिच एक्सपीरियंस बच्चे को प्रोवाइड कर पाए, यानी कि सब लोग एकदम यूनिफॉर्म एक्सपीरियंस ना उससे ग्रहण करें. इन विच स्टूडेंट्स विद डिफरेंट इंटेलिजेंस प्रोफाइल्स कैन इंटरैक्ट विद द मटेरियल्स एंड आइडियाज यूजिंग देयर पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. यानी कि हमारी क्लास है, क्लास में डिफरेंट बच्चे हैं, उनके पास डिफरेंट टाइप की इंटेलिजेंसेज है, तो जितना ज्यादा से ज्यादा हम उसको इन्वॉल्व कर सकें, उतनी ज्यादा लर्निंग मोडेलिटीज को हम यूटिलाइज कर सकें. और क्या, अनदर इजी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मल्टीपल इंटेलिजेंसेस थ्योरी इज टू ऑफर स्टूडेंट्स ऑप्शंस. हम उनको ऑप्शन दे सकते हैं, स्टूडेंट्स को कैसे दे सकते हैं, मान लीजिए हमने उनको कोई रिपोर्ट लिखने को दी है ना, एन असाइंड रिपोर्ट, तो हम उनसे कैसे मांग सकते हैं, मे बी सबमिटेड इन राइटिंग, जिन लोगों को लिख कर देने का मन है वो लिख कर दें, इट मे बी प्रेजेंटेड ओरली, कुछ लोग चाहें तो उसे बोल कर भी प्रेजेंट कर सकते हैं, विद एन ऑप्शन टू यूज विजुअल एड्स, विजुअल एड इस्तेमाल कर सकते हैं, इट मे बी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, जो चाहे जो बढ़िया टेक्नोलॉजी में है, जिसका बढ़िया स्किल है वो मल्टीमीडिया से प्रेजेंट कर दे, और द रिपोर्ट कंटेंट मे बी डेवलप्ड इन टू ए प्ले और सॉन्ग. और जिन बच्चों को इच्छा हो वो उसको सॉन्ग के फॉर्म में या एक ए के फॉर्म में भी प्रेजेंट कर सकते हैं. तो कितना इंटरेस्टिंग हो जाएगा और कितना ज्यादा से ज्यादा बच्चे उसमें इन्वॉल्व होंगे और अपनी रुचि के हिसाब से उसको करने की कोशिश करेंगे, यू कैन जस्ट इमेजिन. कल्टीवेटिंग पार्टनरशिप्स थ्रू द यूज ऑफ अदर टीचर्स फ्रॉम आर्ट, म्यूजिक और टेक्नोलॉजी क्लासेस अलाउज वन टू कोलैबोरेट एंड फाइंड डिफरेंट वेज टू टीच द सेम सब्जेक्ट मैटर, है ना. ठीक है, अब आना चाहिए था ये कंक्लूजन में, कहा ना कि एक मिस हो गई मुझसे. तो पहले उन्होंने 1983 में किताब निकाली, कौन सी, फ्रेम्स ऑफ द माइंड, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, जिसमें उन्होंने सात का जिक्र किया, जिसमें नेचुरलिस्टिक नहीं थी. फिर उन्होंने 1999 में दूसरी निकाल दी, इंटेलिजेंसेस रीफ्रेम्ड, मल्टीपल इंटेलिजेंसेस फॉर द 21st सेंचुरी. उसमें उन्होंने नेचुरलिस्टिक, एग्जिस्टेंशियल और स्पिरिचुअल को ऐड किया. स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस वाले लोग क्या हो जाएंगे, स्पिरिचुअल स्मार्ट, और वो क्या हो जाएंगे, आध्यात्म गुरु और इस तरीके का सब कुछ. ठीक है, बहुत आसान और बहुत इंटरेस्टिंग, और आप एक बार पढ़कर याद कर लीजिए, आपके लिखित एग्जामिनेशन में आए तो लिख दीजिए, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो बता दीजिए, वाय इंटरव्यू में पूछें तो बता दें, है ना, बढ़िया है ना.
हम लोग जब नेट का एग्जाम दे रहे थे तो हॉवर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी आई थी, लेकिन उस वक्त मुझे आती नहीं थी, तो मैंने उसको अपने अंदाज से लिखा था। बहुत सही तो नहीं लिखा था, थोड़ा बहुत पता था, इतना याद था, 8 है कुछ लिखा होगा, कुछ सही कुछ गलत, पर मुझे नहीं आता था। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चल,